एनपीएस अश्लील वीडियो केस में आरएलपी ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले, दोनों पार्टियों की चुप्पी आपसी गठजोड़ की निशानी। आरएलपी विधायकों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। ब्यावर डीएसपी हीरालाल सैनी व महिला कांस्टेबल के 6 साल के बच्चे के साथ पुल के 2 वीडियो सामने आने के मामले को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएगी। इस मामले को लेकर सोमवार को आरएलपी विधायक विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आए और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। ये बात नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस की चुप्पी इनके सत्ता सुख में आपसी गठजोड़ की निशानी को साबित करती है। नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में आरएलपी विधायकों को विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि निलंबित डीएसपी को बचाने में लगे कई बड़े पुलिस अधिकारी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के करीबी हैं। जिस तरह भाजपा और कांग्रेस ने एक राय होकर पहले परिवहन घोटाले को दबाने का प्रयास किया, अब ठीक उसी तरह इस मामले में दोनों पार्टियों ने चुप्पी साधी हुई है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी के वायरल वीडियो में महीनों तक मामले को दबाकर रखने में निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी को बचाने के लिए प्रयास करने वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले के तार सीएमओ और पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश की नज़रें विधानसभा की तरफ हैं। ऐसे संवेदनशील मामले को सरकार व विपक्ष द्वारा गठबंधन करके दबाने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है।